हेलो फ्रेंड्स, तो आईक्यू ज्ञान में आपका स्वागत है। तो आज जो हम थर्ड 10th मई का करंट अफेयर देखेंगे कुछ क्वेश्चंस के जरिए। तो क्वेश्चन जरिए जो मेन मेन न्यूज आइटम है उसके ऊपर हमने क्वेश्चंस बनाए हैं और उसको हम देखेंगे और एक्सप्लेनेशन देखेंगे उसका हम। तो आप ही वीडियो को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलो स्कीम से रिलेटेड है। ये जो स्कीम, इसके रिलेटेड हमने दो स्टेटमेंट रखे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में। पहला है, इट हैज बीन डिजाइन फॉर इम्प्रूविंग द एडमिशन प्रोसेस ऑफ पुअर स्टूडेंट्स इन वेरियस हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये है कि इसको है ना, ये एडमिशन प्रोसेस जो है गरीब बच्चों को एडमिशन प्रोसेस के को आसान करने के लिए, अच्छे करने के लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में का ये स्कीम का ना जो एम है वो ये है। दूसरा जिसमें स्टेटमेंट है कि प्राइम मिनिस्टर जो रिसर्च फेलो स्कीम है, ये जो रिसर्च फैसिलिटीज है IITs, IISc, IISER, NITs और बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी टू मास्टर्स लेवल स्टूडेंट फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट। तो दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि भाई ये जो स्कीम है आपका, आपको बताना इसमें से सही कौन सा है। तो पहला जो है आपका कि पुअर स्टूडेंट्स को हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन प्रोवाइड करता है ये स्कीम, एडमिशन इम्प्रूव करता है एडमिशन प्रोसेस को रिसर्च के लिए। दूसरा जो है आपका है कि ये जो स्कीम है, ये जो रिसर्च फैसिलिटी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में ये मास्टर्स लेवल स्टूडेंट को किसी भी और किसी इंस्टीट्यूट से जो मास्टर्स लेवल करके आए हैं, एमटेक करके आए हैं, उनको जो है रिसर्च फैसिलिटी प्रोवाइड करता है DISC का, NITs का, ऐसे इंस्टीट्यूट का। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला, दूसरा, दोनों, या दोनों में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा आपका आंसर बी। जो ये स्कीम्स है इसको इसमें रखा है मैंने क्वेश्चन में, क्योंकि अभी जो रिसेंटली जो MHRD जो है, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री जो है, इन्होंने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। और ये चेंजेस का एम, ये मेन कारण है कि इसको जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिसर्च कर पाएँ, रिसर्च को ले, रिसर्च मतलब आप कह सकते हैं PhD को और बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए बेसिकली ये स्कीम है। इसमें जो आफ्टर अमेंडमेंट अभी जो चेंजेस किए गए उसके बाद क्या हुआ है, चेंजेस क्या हुआ है कि अब ये जो है नाउ फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज, तो किसी भी इंस्टीट्यूट से अब जो है लोग इसमें आ सकते हैं, ये इन इंस्टीट्यूट्स में रिसर्च कर सकते हैं, उनको ये स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। किसी भी इंस्टीट्यूट से वो आ रहे हो, एमटेक मतलब आ रहे मतलब उन्होंने एमटेक या जो एमएससी है वो किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किया हो उन्होंने। दूसरा है, रिक्वायरमेंट ऑफ गेट गेट स्कोर जो होता है आपका, गेट जो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग जो होता है आपका, ये आपको एमटेक के लिए एडमिशन के लिए लोग करते हैं आफ्टर बीटेक। आफ्टर बीटेक जो है इंजीनियर्स इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट इसको लेते हैं एग्जाम को, ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स में होता है। तो इसके स्कोर एग्जाम के बाद एक स्कोर कार्ड आता है, तो स्कोर कार्ड का जो स्कोर है एलिजिबिलिटी जो है उसको और कम कर दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस स्कीम का बेनिफिट ले सके। और नाउ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप थ्रू टू मोड्स, पहले एक मोड था डायरेक्ट मोड था, अब इसमें दो मोड कर दिया, डायरेक्ट और लेटरल। तो लेटरल एंट्री आप समझ सकते हैं, लेटरल एंट्री क्या हो गया कि जो लोग ऑलरेडी PhD कर रहे हैं, पहले क्या था आप जो है उस समय सिर्फ MTech आपने किया हो या पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हो तभी आप स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं। अभी क्या है, अगर आप PhD ऑलरेडी कर रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट में, वन ऑफ द PNMR ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट, किसी जो इंस्टीट्यूट है लिस्टेड इंस्टीट्यूट है उसमें अगर आप ऑलरेडी कर भी रहे हैं तब भी आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। कैसे उठा सकते हैं, वैसे स्टूडेंट्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होना चाहिए इंस्टीट्यूट से कि भाई ये बहुत ही अच्छा मेरिट स्टूडेंट्स है, इसको इस स्कीम की फेलोशिप जो है, स्कॉलरशिप जो है उसको मिलनी चाहिए। तो बेसिकली जो हमने समझा ये स्कीम क्या है आपका, कि लोगों को जो रिसर्च है उसको बढ़ावा देने की, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग PhD करने, रिसर्च करने के लिए आएँ ऐसे इंस्टीट्यूट्स में, जो आपका IITs हो गए, IISc हो गई जो बेंगलोर में है आपका, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, NITs हो गया, तो इनसे ऐसे इंस्टीट्यूट में रिसर्च के लिए है। तो ये स्कीम्स के बारे में कुछ हमने बताया। पहले तो हमने देखा इसमें क्या क्या चेंजेस लाया गया है। बेसिकली स्कीम क्या है कि क्वालिटी ऑफ रिसर्च इन वेरियस हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि लोग जब पैसा नहीं होता तो ज़्यादा दिन की रिसर्च करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादातर जॉब की तरफ चले जाते हैं, रिसर्च को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, उसके लिए उसको बढ़ाने के लिए स्कीम्स लाई गई थी।
ये 2018-19 के बजट में इसको स्कीम को लाया गया था। ये जो है रिसर्च फैसिलिटीज जो है आपका बेसिकली जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है हमारे जो नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूट है टेक्नोलॉजी के मामले में साइंस के मामले में जैसे कि IIT हो गया SE हो गया IISER हो गया NITs हो गए जो स्टेट लेवल पे है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है आपका वैसे इंस्टीट्यूट जिसका जो 25 NIRF जो है रैंकिंग में टॉप 25 में आते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क जो आपका है उसमें जो टॉप में आते हैं वैसे इंस्टीट्यूट्स को का जो रिसर्च होता है मतलब कि रिसर्च वहाँ पे आप कर सकते हैं मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट्स जिन्होंने मास्टरी ऑलरेडी कर ली है किसी इंस्टीट्यूट से किसी भी इंस्टीट्यूट से इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूट से इंडिया में आपने मास्टरी की है तो आप जो है ऐसे इंस्टीट्यूट के रिसर्च को यूज कर सकते हैं इस स्कीम के थ्रू। आपको जो एक क्राइटेरिया जो है इसका फुलफिल करना होगा जो इंस्टीट्यूट ऑफर कर से मैंने कहा उनको इंस्टीट्यूट है भाई IIT इसको ऑफर कर रहे हैं IISER कर रहा है IISC कर रही है बेंगलुरु की और कुछ टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। अब इसमें मिलता क्या है स्कॉलरशिप में बेसिकली तो इसमें जो स्कॉलरशिप की तरफ 70,000 रुपये पर मंथ पहले 2 साल के लिए मिलता है आपको 75,000 रुपये पर मंथ तीसरे साल के लिए और 80,000 रुपये पर महीना चौथे और पाँचवें साल के लिए मतलब 5 साल का स्कीम है। उसके अलावा जो आपको 2 लाख रुपये पर साल मिलता है हर साल 5 साल के लिए आपके जो बाकी एक्सपेंसेस हैं और फॉरेन नेशनल ट्रेवल जो आपको करना पड़ता है मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूट में उसको मीट करने के लिए तो एक अच्छा खासा जो अमाउंट दिया जाता है कि आप जो है रिसर्च करें आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करने का स्कीम है। तो आप समझ गए ये क्वेश्चन को इसमें जो पहला गलत है ये एडमिशन प्रोसेस के लिए नहीं बल्कि रिसर्च फैसिलिटी जो है वहाँ पर यूज करने के लिए है स्कॉलरशिप स्कीम। और ये स्टेटमेंट सही है कि भाई ये इंस्टीट्यूट्स को आप किसी भी इंस्टीट्यूट से आप ग्रेजुएशन करके एमटेक करके आए हैं आपको ये फैसिलिटी मिल सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन जो आपका कोऑपरेटिव बैंकिंग के बारे में कौन से स्टेट्स में इसमें से सही है। पहला आपका कस्टमर ऑफ ए कोऑपरेटिव बैंक आर आल्सो इट्स ओनर जो उसके कस्टमर होते हैं वही उसके ओनर भी होते हैं कोऑपरेटिव बैंक का क्या ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है दे कम अंडर द रेगुलेटरी एम्बिट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हम जानते हैं सेंट्रल बैंक हमारा उसके रेगुलेट वो ही इसको भी रेगुलेट करता है क्या ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। इसका आंसर होगा सी मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है इसमें। तो कोऑपरेटिव बैंकिंग बेसिकली क्या है कि वो बेसिकली सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट हैबिट जो है लोगों के बीच बढ़ाने का है स्पेशली रूरल एरिया में जहाँ पे बैंकिंग जो है नॉर्मल कॉमर्शियल बैंकिंग अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे इस चीज़ को कि लोग ज़्यादा सेव करें और अपने लिए बचा कर रख सके कहीं पर वो जमा कर सके उस चीज़ को बढ़ाने के लिए ये कोऑपरेटिव बैंकिंग का कंसेप्ट लाया गया था। तो बेसिकली ऐसी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी है जो कि कोऑपरेटिव बेसिस पे खोला जाता है कोऑपरेटिव बेसिस मतलब एक तरह से जो हम 10 लोगों ने मिलकर 11 लोगों मिलकर कोऑपरेटिव बेसिस पे खोला उसको इसके इसीलिए जिसको हम कहते हैं कि कस्टमर जो इसके मतलब जो यहाँ पे जमा कर रहे हैं यूज कर रहे हैं वही इसके कुछ मालिक भी कहलाते हैं असल में मतलब कि वही लोग कोऑपरेटिव जिन्होंने बनाया है एक तरह से कुछ लोगों के जो बीच में वो कोऑपरेटिव बनाया जाता है अपने अपने इनिशिएटिव से तो वहाँ पे जो कस्टमर एक तरह से है उसको एक ओनर भी माना जाता है। इसके अलावा इसका बोर्ड बोर्ड भी होता है उसको चलाने के लिए कंट्रोल चलाने के लिए। तो रेगुलेशंस कैसे होता है कोऑपरेटिव बैंक का इंडिया में बेसिकली ये जो है स्टेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो होती है जिस स्टेट में वो इस्टेब्लिश है उसके अंदर भी गवर्न होते हैं रजिस्टर्ड होते हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इनको गवर्न करता था पहले। तो ये दो रूल्स हैं लॉज हैं जिसके अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको गवर्न करता है जिसके अंडर ये आते हैं एक तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है दूसरा बैंकिंग लॉ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1955। लेकिन बाद में इसको है ना डबल जो रेगुलेशन है कि स्टेट रजिस्ट्री जो है रजिस्ट्री जो है ये भी इसको रेगुलेट कर रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट कर रहा है तो इसको बेसिकली जो है रिजर्व बैंक के अंदर लाया गया 1966 में। तो बेसिकली रिजर्व बैंक इसको रेगुलेट करता है इसके कंट्रोल करता है इनका जो बाकी जो बैंकिंग रिलेटेड जो भी पार्ट्स है वो इसको मॉनिटर करता है। तो स्ट्रक्चर के बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी की भारत में तो ये दो तरह के बेसिकली हम इसको डिवाइड कर सकते हैं अर्बन कोऑपरेटिव और रूरल कोऑपरेटिव। अर्बन रूरल कोऑपरेटिव में आपका दो उसको फिर से दो तरह डिवाइड कर सकते हैं शॉर्ट टर्म जो लोन देते शॉर्ट टर्म जो हो गया जो दूसरा है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आपका 3 तरह के होते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स डिस्ट्रिक्ट मीडिएटरी कोऑपरेटिव बैंक और प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज क्रेडिट सोसाइटीज। ये 3 तरह के शॉर्ट टर्म जो रूरल शॉर्ट टर्म रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए इंस्टीट्यूशन और लॉन्ग टर्म में आपका हो गया 2 तरह का SCRDB जिसे हम कहते हैं फुल फॉर्म आपका स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक और दूसरा जो हो गया PC प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक। तो ये 2 तरह के इसमें हो गए लॉन्ग टर्म के और शॉर्ट टर्म में 3 तरह के होते हैं रूरल कोऑपरेटिव बैंक। वही अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को अगर हम देखें तो इसमें बेसिकली 2 है शेड्यूल नॉन शेड्यूल। शेड्यूल नॉन शेड्यूल यही है कि जो लिस्टेड है शेड्यूल में एक्ट के
शेड्यूल में आपका हो गया, जो कि अगर मल्टी स्टेट में है तो मल्टी स्टेट हो कहलाएगा, दूसरा सिंगल स्टेट में प्रेजेंस है तो सिंगल स्टेट, नॉन शेड्यूल इसी तरह से टायर वन टायर टू डिपेंडिंग ऑन कहाँ वो प्रेजेंट है। तो ये जो बेसिकली आपका स्ट्रक्चर है कोऑपरेटिव बैंक का, ये काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है सब टाइप्स क्या है आपका और ये किसका सब टाइप है, तो इस वो आप याद रखें। तो नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के, नॉन अलाइन मूवमेंट से रिलेटेड है। अभी हाल ही में इसका मीटिंग आपने देखा होगा न्यूज में, प्राइम मिनिस्टर ने किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, इसको अटेंड किया था। तो ये इसमें जो स्टेट्समेंट, इसको हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है, हमें ये देखना है कौन सा सही नहीं है। तो इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स, इंडिया वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है नॉन अलाइन मूवमेंट के, जो कि 1949 में स्टेब्लिश हुआ था 29 मेंबर के साथ। इस सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या क्या बातें हैं, एक तो ये है कि फाउंडिंग मेंबर है पहला स्टेट इसके अंदर सब स्टेटमेंट, दूसरा है ये स्टेब्लिश कब हुआ था 1949 में, तीसरा है 29 मेंबर के साथ। तो ये तीनों चीजें सही होनी चाहिए तभी स्टेटमेंट सही कहलाएगा या गलत कहलाएगा, अगर एक भी इसमें गलत हुआ तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट समिट इज मेन मीटिंग एंड एन हेल्ड एवरी 2 ईयर्स, इसमें भी दो सब स्टेटमेंट आप कह सकते हैं कि पहला तो ये मेन मीटिंग है कि नहीं है, दूसरा है हर 2 साल में होता है कि नहीं होता है। तो दोनों ही सही होने चाहिए, जो एक स्टेटमेंट के अंदर सबका आप कह सकते हैं दो बातें कही गई है, तो दोनों बातें सही होनी चाहिए तभी ये स्टेटमेंट सही है गलत होगा। इंडिया हैड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द लास्ट 2 समिट्स हेल्ड इन 2017 एंड 2019, तो क्या इन दोनों समिट में इंडिया ने भाग नहीं लिया था। तो ये दो तीन स्टेटमेंट है, इसमें से कौन कौन नहीं सही है ये पूछा गया है, पहला दूसरा, ये पहला तीसरा स्टेटमेंट या दूसरा तीसरा स्टेटमेंट, या तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। इसका आंसर डी होगा आपका, मतलब तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। कैसे नहीं सही है हम इसको देखते हैं आगे। तो नॉन अलाइंग मूवमेंट जो बेसिकली 120 डेवलपिंग कंट्रीज जो है इसके मेंबर है अभी हाल में, दैट आर नॉट फॉर्मली अलाइंड विथ और अगेंस्ट एनी मेजर पावर ब्लॉक। तो ये बेसिकली जो पावर ब्लॉक कहा जा रहा है यहाँ पर यूएसए वर्सेस यूएसएसआर, यूएसएसआर उस समय था, ये कोल्ड वॉर के समय का बेसिकली इंस्टीट्यूशन है आपका, कोल्ड वॉर के समय का, जब है ना जो देश जो ग्लोबल सिनेरियो था कि दो पावर ब्लॉक में बचा हुआ था, एक था यूएसएसआर जो आपका ईस्टर्न साइड में था और दूसरा था यूएसए, नाटो, नाटो जो इन्होंने अलायंस बनाया था। तो इन दोनों के बीच में जो कोल्ड वॉर का सिचुएशन था उस समय ये मूवमेंट, ये जो इंस्टीट्यूशन है उभर के आया था। यूनाइटेड नेशंस के बाद ये सबसे ज़्यादा बड़ा एक ग्रुप है स्टेट्स का, तो काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं 120 कंट्रीज हैं डेवलपिंग कंट्रीज। तो इसमें जो कॉन्फ्रेंस ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स होता है या जो गवर्नमेंट हेड ऑफ गवर्नमेंट हो गया, हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट में क्या अंतर है, हेड ऑफ स्टेट जैसे हमारे यहाँ आपका सत्य प्रेसिडेंट है और हेड ऑफ गवर्नमेंट आपका प्राइम मिनिस्टर कहलाएंगे, जो एग्जीक्यूटिव हेड हो गया और जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो गए। तो ये कॉन्फ्रेंस जो होता है इसमें बेसिकली रिफर टू नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट समिट, ये मूवमेंट समिट इसको कहा जाता है, यही मेन मीटिंग है और ये हर एवरी फ्यू ईयर्स, तो हर कुछ सालों में होता है, स्पेसिफिक को टाइम नहीं कि भाई 1 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, 3 साल बाद होगा। तो यहाँ पे आप ये स्टेटमेंट देखें एवरी 2 ईयर, ये गलत है, ये चीज़ सही है, लेकिन क्योंकि एक भी यहाँ पूरा पूरा स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इंडिया हैड पार्टिसिपेटेड इन बोथ दी समिट्स हेल्ड इन 2017-19, दोनों समिट जो है लास्ट दो समिट 17-19 वाला, दोनों में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था और रिप्रेजेंट किसने किया था भाई, वाइस प्रेसिडेंट ने किया था 2017 में हामिद अंसारी जी ने किया था और 2019 में वेंकैया नायडू सर ने किया था। तो ये जो आप स्टेटमेंट देखेंगे कि इंडिया ने नॉट पार्टिसिपेटेड इन 2 समिट्स, तो ये गलत है, पार्टिसिपेट किया था, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स तो गलत हो गए। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है भाई, या तो ये होगा या तो ये होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं नाम स्टेब्लिश कब हुआ था। तो बेसिकली जो है एग्रीड इन बार्डन कॉन्फ्रेंस में, ये कॉन्फ्रेंस में इसका प्रिंसिपल बेसिकली मोटा मोटी जो है तैयार हो गया था लोग उसको 1955 में, नाम जो स्टेब्लिश हुआ था 1961 में यूगोस्लाविया में, इसमें इनिशिएटिव जो लिया था बेसिकली 3 देश थे मेजरली, इंडिया थे, इंडिया था जो उस समय प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल नासिर और जो यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट थे टीटो। तो ये तीन जो बेसिकली इसमें फोरफ्रंट पे थे जो इन्होंने फाउंड किया था। तो आप यहाँ देखें जो साल है आपका 1961 है, जबकि यहाँ क्या कहा गया था 1949, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए जो आंसर क्या होगा डी होगा।
अब हम आगे कुछ और इसमें बारे में इंफॉर्मेशन देख ले कि ये जो है इसका पर्पस जो है ये हवाना डिक्लेरेशन 1979 से इसको बताया गया था कि भी क्या पर्पस इस इंस्टीट्यूट का क्या पर्पस है, इसको क्यों बनाया गया है। तो नेशनल इंडिपेंडेंस, टू इंश्योर नेशनल इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी सॉवरेनिटी संप्रभुता, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो उनका बाउंड्री है वो उसको अखंडता बची रहे उसकी, और सिक्योरिटी ऑफ नॉन अलाइंड कंट्रीज। तो ये सारा मतलब बेसिकली जो उनकी सॉवरेनिटी है, जो कंट्रीज हैं नॉन अलाइंड कंट्रीज उनकी बनी रहे, और ये किसके अगेंस्ट बनी रहे थी, इंपेरियलिज्म जो उस समय चल रहा था, कॉलोनियलिज्म जो था उस समय, रेसिज्म और जितने भी फॉरेन सब्जुगेशन मतलब दूसरे बाहर के देश जो बड़े बड़े देश थे, यूएसए, ब्रिटेन, यूरोपियन कंट्रीज जो थे वो जो दबाना चाहते थे अपने अंडर इन कंट्री को लाना चाहते थे, उससे बचने के लिए उसको हटाने के लिए ये बेसिकली इंस्टीट्यूशन की जो फॉरम है इसको बनाया गया था। जैसे मैंने कहा कोल्ड वॉर एरा के समय में बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि जो लोग न यूएसएसआर न यूएसए किसी तरफ जाना नहीं चाहते थे, तो वो इस मूवमेंट को उन्होंने ज्वाइन किया, और जो वर्ल्ड था वो दो टुकड़ों में बंटने से तरह से कह सकते हैं आप वॉर वॉर होने से बच गया, प्रिजर्विंग पीस। टर्म नॉन अलाइन मूवमेंट फर्स्ट अपीयर्स इन द फिफ्थ कॉन्फ्रेंस इन 1976 वेयर पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज आर डिनोटेड एज मेंबर्स ऑफ द मूवमेंट। तो ये बेसिकली है नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, वर्ल्ड माइग्रेटरी डे कैंपेन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय, कौन जो ये कैंपेन ऑर्गेनाइज करता है वर्ल्ड माइग्रेटरी डे, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जिसे हम यूएनईपी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आपने सुना होगा काफी बार न्यूज में, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पेसीज CMS जो ये होता है आपका, अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बॉडी एग्रीमेंट या बोथ BNC। तो इसका जवाब होगा आपका बेसिकली, तो बेसिकली ये जो है आपका आंसर इसमें डी होगा, दोनों जो ऑर्गेनाइज कराते हैं CMS और जो ये ट्रीटी है दूसरा, ये दोनों के अंदर में ऑर्गेनाइज होता है। तो बेसिकली जब कोई भी डे सेलिब्रेट होता है समझ लीजिए, तो उस चीज़ मेन जो उसका एम होता है कि उस चीज़ पर अवेयरनेस लाया जाए, अवेयरनेस क्रिएट किया जाए लोगों के बीच में, जो उसमें ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में, जो कंट्रीज अगर उसमें पार्टिसिपेशन है तो कंट्रीज़ का अवेयरनेस क्रिएट किया जाए कि भाई आप देखिए इस चीज़ में कि है ना अभी और क्या करने की ज़रूरत है, हमें क्या करना चाहिए। इसी तरह ये भी जो है आपका माइग्रेटरी बर्ड डे से आप समझ सकते हैं कि जो है अटेंशन लाने की कोशिश है कि जो माइग्रेटरी बर्ड है उनको कैसे और बचाया जाए, उनको जो थ्रेट है उसको कम किया जाए, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड और उनका हैबिटेट, उनका हैबिटेट जहां वो माइग्रेट करके जाते हैं, तो मान लीजिए तो उस हैबिटेट को बचाया जाए जो इंक्रोचमेंट है, इन्वायरमेंट जो इशूज है उससे। तो ग्लोबल प्रोग्राम हेल्प्स रेज अवेयरनेस, जैसे मैंने कहा कोई भी जो डे मनाया जाता है वो बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, उस चीज़ की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, अवेयरनेस अबाउट द न्यूमरस थ्रेट्स फेस्ड बाय द बर्ड्स। 2020 जो है आपका अभी इस साल वाला जो सेलिब्रेट होगा वो एक है 9 मई को और दूसरा आपका 10 अक्टूबर को, ये दो दिन सेलिब्रेट किया जाएगा, और सेलिब्रेटेड बाय कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप बिटवीन टू यूनियन ट्रीटी, दो यूनियन ट्रीटी जो है जो इसको गाइड करता है, पहला आपका CMS जो हमने देखा कंजर्वेशन माइग्रेटरी स्पेसीज, दूसरा है अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड एग्रीमेंट। तो इन दो ट्रीटी के अंदर में ये चीज़ जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, एंड दी कोलोराडो बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट फॉर अफ्रीकन। तो ये जो है बेसिकली तो इसीलिए ये भी आपका है और ये दोनों एग्रीमेंट के अंदर में इसको किया जाता है। थीम अगर हम देखें, थीम होता है हर डे का, बेसिकली हर साल थीम से चेंज होता रहता है, वो डिपेंडिंग ऑन उस समय किससे कैसे उसको रिलेट किया जाए ग्लोबल कॉज से। तो बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, तो ये इस बार का थीम है, इसको आप याद ध्यान रख लें। थीम इज मीन टू पुट फोकस ऑन कंजर्वेशन एंड रिस्टोरिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस विच आर क्लोजली लिंक्ड टू द सर्वाइवल ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। तो बेसिकली इसमें क्या है कि कंजर्वेशन और उसका जो इकोलॉजिकल बैलेंस है जो हमारा अभी अर्थ का, उसको लिंक करने की कोशिश की गई है इसमें टू द सर्वाइवल ऑफ माइग्रेटरी बर्ड, कैसे जो है इसको हमें बचाने की जरूरत है और ये जो है माइग्रेटरी बर्ड के कंजर्वेशन के लिए सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो ये जो डे मनाने का शुरुआत कार्यक्रम कब शुरुआत हुआ था, बेसिकली 2006 में शुरुआत हुआ था और 2018 से इसे दो बार मनाना शुरू किया गया। दो बार कब कब, तो पहला जो आपका सेकंड सैटरडे मई का सेकंड सैटरडे जो भी होगा, जो भी तारीख होगी वो, और अक्टूबर का जो सेकंड सैटरडे होगा। तो इस साल मई का सेकंड सैटरडे 9 मई था और अक्टूबर में आपका है 10 अक्टूबर, ठीक है।
तो थ्रेट्स इसमें क्या क्या मैग्नेटिक बर्ड्स का, बेसिकली जो नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं रास्ते में, या फिर साइक्लोन्स हो गया आपका, वाइल्ड फायर्स हो गया, तो ये जो इनके जो हैबिटेट्स होते हैं जंगल में या जहाँ पे भी वो स्टे करते हैं बीच बीच में, जैसे मान लीजिए आपका रसिया से यूएस, अफ्रीका से वो रसिया तरफ से वो माइग्रेट करते हुए ईस्ट से वेस्ट, बहुत सारे जो बर्ड होते हैं वो काफ़ी लंबा दूरी तय करते हैं, कुछ बर्ड्स जो हैं वो कुछ कम दूरी तय करते हैं, 4-5 कंट्री करते हैं, कुछ बर्ड्स आप देखेंगे 2-3-4 कॉन्टिनेंट्स ट्रेवल करते हैं। तो ये सब जो है इनके प्रॉब्लम, इनके हैबिटेट जो होता है एक तरह से, कि यहाँ यहाँ मुझे स्टॉप करना है इस समय, वहाँ पे फिर दूसरे स्टॉप स्टॉप होता है बीच बीच में, वो वहाँ रुकते हैं कुछ दिनों के लिए, तो वहाँ जो हैबिटेट होता है वो इस चीज़ों से, नेचुरल डिजास्टर के कारण वो डिस्ट्रॉय हो जाता है उनका। और पोइचिंग जो होता है बेसिकली जो थ्रेट है ह्यूमन थ्रेट, ये सबसे बड़ा थ्रेट माना जाता है बर्ड पॉपुलेशन के लिए। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पांचवा सवाल हमारा है कंसोल बोंड, इसके रेस्पेक्ट में कौन कौन से ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट, ये कौन से स्टेटमेंट सही हैं आपको ये बताना है। तो कंसोल बोंड इज अ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी विथ नो मैच्योरिटी डेट। तो आप समझिए पहला है क्या है, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी मतलब फिक्स्ड इनकम आएगा इस बॉन्ड से। बॉन्ड आप समझ सकते हैं, बॉन्ड जो होता है आपका, बॉन्ड हो गया, डिवेंचर्स हो गया आपका, जो बॉन्ड होते हैं आपकी कोई कंपनी या सरकार जो है उसको इशू करती है कोई भी इंस्टीट्यूशन, कि भाई हम आपको इस समय में इतना पैसा देंगे ऐसी तरह से। तो बॉन्ड, ये बॉन्ड इसी तरह से है, इसमें फिक्स इनकम सिक्योरिटी है, दूसरा मैच्योरिटी डेट कोई नहीं है, कब मैच्योर होगा, 2 साल 3 साल 4 साल बाद वो बताया नहीं गया, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है ऑफन कंसिडर टाइप ऑफ इक्विटी रेदर देन डेब्ट, तो इसको जनरली इक्विटी समझा जाता है, डेप्ट नहीं समझा जाता है। इक्विटी डेप्ट में क्या, इक्विटी हो गया आपका पार्टनरशिप आपको मिल रहा है एक तरह से बैंक का, और डेप्ट हो गया आप उसके जो है ना एक तरह से जो लोन डेप्ट जो है होता है आपका, जो कंट्री इशू करते सॉरी जो कंपनियां इशू करती है एक तरह से। डेप्ट इक्विटी में क्या अंदर, बेसिक इक्विटी जैसे हम शेयर मार्केट जो आप देखते हैं, शेयर हमने खरीदा तो कुछ हमने इक्विटी होगा उसका, परसेंटेज हमने खरीदा उस कंपनी का, एक क्लेम है हमारा उस कंपनी का, इतना परसेंटेज का हम भागीदार है। डेप्ट क्या होगा, बेसिकली जो कंपनी है वो इशू करती है अपनी तरफ से कि भाई हमें उनको कुछ पैसा चाहिए, लोन चाहिए, एक तरह से मॉर्गेज टाइप का, वो कंपनी का कुछ पार्ट उन्होंने मॉर्गेज रखा है, उसके ऊपर में डेप्ट के ऊपर में आपको एक फिक्स्ड इनकम आता है, इंटरेस्ट आता है डिपेंडिंग ऑन कंपनीज पे। तो ये दोनों में से क्या है, बेसिकली इसमें कहा गया है कि ये जो बॉन्ड है बेसिकली इक्विटी है, डेप्थ नहीं है। और बहुत बेनिफिट जो इस बॉन्ड का इज दैट दे पे स्टेडी स्ट्रीम ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट फॉर एवर। तो ये जो बॉन्ड्स हैं ये एक है ना जो फिक्स टाइप का इंटरेस्ट देंगे जिंदगी भर फॉर एवर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो ये जो आपका आंसर है डी है, मतलब कि तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इसके बारे में और हम देख लें, तो ये जो पेंडेमिक है अभी कोरोना का, कोविड का, और जो नेशनल लॉकडाउन के कारण जो इकोनॉमिक जो स्थिति है भारत की, इसको लेकर के ये न बॉन्ड सरकार जारी करने के सोच रही है। द लार्ज स्टिमुलस नीड टू बी इंट्रोड्यूस, तो स्टिमुलस चाहिए इकोनॉमी के लिए। स्टिमुलस मतलब आपका हो गया क्या, कि जो फाइनेंशियल एक तरह से पुश चाहिए, फाइनेंस कुछ पैसा जो है मार्केट में आपको देना होगा सरकार को, डिफरेंट सेक्टर्स को, जो जो सेक्टर मान लीजिए ऑटोमोबाइल हो गया आपका, जो है ना रियल इस्टेट सेक्टर हो गया आपका, जो है ना आईटी कंपनियां हो गई, तो इन डिफरेंट सेक्टर्स को कितना, हॉस्पिटलिटी सेक्टर हो गया, टूरिज्म सेक्टर हो गया आपका, एयरलाइन सेक्टर हो गया, तो उस तरह से जिस सेक्टर को से खड़ा करने के लिए उनको जो पैसे का कमी हो गई, तो उसको देने के लिए जो सरकार कभी कभी जो पैसा देती है उसे इंफ्यूज करती है, उसे हम कहते हैं स्टिमुलस। तो स्टिमुलस चाहिए अभी भी, क्योंकि अभी जो इकोनॉमी काफ़ी ख़राब है, टू पुल बैक द इकोनॉमी, इकोनॉमी को ठीक खड़ा करने के लिए। वेदर रिक्वायर्ड स्टिमुलस टू एक्सीड द करेंट रिवेन्यू रिसिप्ट, तो ऐसा माना जाए कि अभी जो रिवेन्यू जितना स्टिमुलस चाहिए वो हमारे जो रिवेन्यू है सरकार का उससे काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। पैसे में कैसे करना हो, तो इसलिए जो है बॉन्ड लेके आने की सरकार सोच रही है। तो कंसोल बॉन्ड बेसिकली क्या है, इसे परपेचुअल बॉन्ड भी कहते हैं, जो कि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी देगा विथ नो मैच्योरिटी डेट। तो कोई मैच्योरिटी डेट नहीं है, मतलब कि अभी ऐसा नहीं सरकार कह सकती है कि 2 साल बाद 3 साल बाद आपको पैसा मिल जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, ऐसा नहीं है बॉन्ड इस बॉन्ड में। ऑफन कंसिडर टाइप ऑफ इक्विटी रेदर देन डेप्ट, और मेजर बेनिफिट क्या है इसमें, स्टेडी स्ट्रीम ऑफ इंटरेस्ट ये देते रहेंगे हमेशा। हाउएवर दिस बॉन्ड कैन बी रिडीम्ड एट इशूअर डिस्क्रिप्शन, इशूअर मतलब जो इशू कर रहा है, इस केस में अगर गवर्नमेंट लेके आती है बॉन्ड, हम खरीदते हैं बॉन्ड को, तो इशूअर कौन होगा उसमें, गवर्नमेंट इशूअर होगा, तो गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पे है कि भाई वो कब जो है उसको रिडीम करने का अवसर दे आपको, कि भाई हाँ ये 10 साल बाद ये 5 साल बाद रिडीम हो जाएगा आपका। तो ये तीनों स्टेटमेंट अगर हम देखें तो तीनों स्टेटमेंट ही सही हो गया है, तो इसका मतलब ये स्टेट ये जो डी आपका ऑप्शन सही है।
तो कंसोल होने ऐसा नहीं, पहली बार ये इशू किया जा रहा है, ये पहले भी हिस्ट्री में इशू किया गया, जैसे कि पहले बार ब्रिटिश सरकार ने इशू किया था वर्ल्ड वॉर वन के समय में। उसके बाद 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट सॉट टू रेज मोर मनी टू फाइनेंस ऑन गोइंग कॉस्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, तो इसी का बताया गया है। और 2014 में जो ब्रिटिश सरकार ने पेड 10% पेड ऑन 10% टोटल आउटस्टैंडिंग कंसोल बॉन्ड, तो 2014 में इसका जो है आप कह सकते हैं इसका डेब्ट सरकार ने चुकाया। तो एक कितना लंबा पीरियड है आपका, तो कोई मैच्योरिटी डेट एज सच नहीं है इसमें। तो अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ऑलिव रिडली टर्टल। ये जो है टर्टल जो है एक तरह का टर्टल है जो काफी न्यूज में रहता है हमेशा इन्वायरमेंट के परस्पेक्टिव से ही, आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट इसके बारे में दिए गए हैं, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। दे आर नोन फॉर देयर यूनिक मास नेस्टिंग कॉल आरिबडा। तो ये आरिस बाडा जो है आपका मास नेस्टिंग इनका है, तो ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है कोस्ट ऑफ मैक्सिको इज द लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट फॉर द टर्टल्स। तो मैक्सिको का जो समुद्री तट है वो इनका मास नेस्टिंग, नेस्टिंग होता है जो ना रिप्रोडक्शन के लिए जो यूज करते हैं, तो वो जो है तो मास नेस्टिंग साइट जो है कहा गया है कि जो मैक्सिको का तट है वो सबसे बड़ा नेस्टिंग साइट है ये टर्टल्स का। और दे आर कैटेगराइज्ड एज वल्नरेबल अंडर IUCN रेड लिस्ट। तो IUCN जो होता है आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है ये रेड डेटा बुक पब्लिश करता है, और इसमें जो बेसिकली जो कैटेगराइजेशन होता है एनिमल्स का बायोडाइवर्सिटी जो फौना का सॉरी फ्लोरा फौना का डिपेंडिंग ऑन आपका वो कितना वल्नरेबल है, कितना वो स्पेसीज का कमी कितनी है, स्पेसीज रिचनेस के बेसिस पर ये जो है क्लासिफाई होता है। जैसे कि वनरेबल हो गया आपका, एक तो वनरेबल होता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड होता है आपका, क्रिटिकली इंडेंजर्ड होता है आपका, इंडेंजर्ड होता है पहले, एक्सटिंक्ट होता है, नॉट एवेल्युएटेड होता है सबसे कम, मतलब कि एवेल्युएट नहीं किया गया है, डेटा डिफिशियंट, इसको आप याद कर लीजिएगा, सात आठ तरीका होता है। तो ये जो है इसी में कहा गया कि इसको जो है लिस्ट ऑली रेडी टर्टल को किस कैटेगरी में डाला गया है, वनरेबल कैटेगरी में डाला गया है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको पहचानना है। तो इसमें सी ऑप्शन सही है आपका, सी मतलब पहला और तीसरा सही है, ये और ये गलत है। इसको आगे हम देखते हैं कैसे गलत है। ऑली रेडी टर्टल जो बेसिकली क्या है, स्मॉलेस्ट और मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल्स, जितने भी टर्टल्स हैं सी टर्टल्स जो है समुद्री कछुए हैं उनमें सबसे ज्यादा छोटा है एक तो, और सबसे ज्यादा पाया जाता है। और ये कार्निवोरस है, कार्निवोरस सुन सकते हैं, हर्बीवोर हो गया जो प्लांट एनिमल को खाते हैं, कार्निवोर जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, तो कार्निवोरस है। एंड इनका नाम जो मिला है ओलिव रिडली, ओलिव जो पड़ा है उसका बेसिकली ओलिव कलर्ड कारापेस से इनका नाम पड़ा है। बेसिकली इनका जो हार्ट सेल है वो इस कलर का होता है ओलिव का, इसीलिए इनका नाम ओलिव रिडली टर्टल रखा गया है। तो ये कहाँ पाया जाता है, बेसिकली जो वार्म वाटर्स ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशियंस, ये तीन ओशियंस के जो गर्म पानी जहाँ पे वार्म ओशियन हो गया वार्म वाटर्स है वहाँ पाया जाता है। दे आर नोन फॉर द यूनिक मास नेस्टिंग साइट आरिबडा। तो ये जो है ये इनका नेस्टिंग साइट सही है, तो पहला स्टेटमेंट आपको मिल गया ये सही है कि मास नेस्टिंग साइट जो इनका नाम है आरिबडा नाम है, वेर थाउजेंड्स ऑफ फीमेल्स कम टुगेदर ऑन द सेम बीच टू ले एग्स। बहुत सारी जो है ना फीमेल टर्टल्स है वो वहाँ पे अंडा देती है, और वो जो अंडे धीरे धीरे वो पैदा लेते हैं उससे उससे फूट के फिर वो आते हैं, तो ये नेस्टिंग साइट कहलाता है जहाँ पे ज़्यादा नंबर पे मास नेस्टिंग, वहाँ पे ज़्यादा नंबर में फीमेल्स टर्टल्स आती हैं और एग देती हैं। तो कोस्ट ऑफ उड़ीसा इज द लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट। तो जो हमने स्टेटमेंट देखा था मैक्सिको यहाँ कहा गया था, तो मैक्सिको नहीं होगा, कौन क्या होगा आपका, इंडिया उड़ीसा का तट, उड़ीसा का सॉरी उड़ीसा उड़ीसा हो गया आपका, तो उड़ीसा का तट जो है सबसे बड़ा साइट है। उसके बाद कोस्ट ऑफ मैक्सिको का नंबर आता है और कोस्ट अटिका का कोस्ट का, तो यहाँ पे उड़ीसा कोस्ट होगा याद रखिएगा आप। तो ये जो कैटेगराइजेशन इनका जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट जो लिस्ट निकलता है, अगर हम IUCN की बात करें तो वनरेबल में है, तो थर्ड स्टेटमेंट आपका सही हो गया क्वेश्चन का, ये जो स्टेटमेंट सही हो गया वनरेबल कैटेगरी में ही है।
दूसरा साइट्स जो है आपका, ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी लिस्ट ऑफ एनिमल्स रखती है, रखा जाता है इसमें, जो ज़्यादा वनरेबल है, जो ज़्यादा है ना क्रिटिकल है, जिसको ज़्यादा बचाने की ज़रूरत है, उनको अपेंडिक्स वन में रखा जाता है फिर ऐसे ऐसे करके। तो अपेंडिक्स वन में इसको रखा गया है, और इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है इसमें शेड्यूल वन में रखा गया, मतलब हाइएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन को चाहिए। दे आर एक्सटेंसिवली पोस्ट फॉर देयर मीट सेल एंड लेदर। तो थ्रेट्स क्या क्या है भाई, कि उनका पॉपुलेशन कम हो रहा है, कि उनको बचाने की जरूरत है, तो उनको पोस्ट किया जाता है मीट के लिए, इनके सेल्स जो होते हैं इनके, और लेदर इनसे बनता है, एंड देयर एग्स। और सबसे ज़्यादा जो थ्रेट है इनको, जो प्रॉब्लम है इनका, जो इनके लाइफ का, वो है एक्सीडेंटल किलिंग। एक्सीडेंटल किलिंग मतलब कि जानबूझ के नहीं, एक्सीडेंटल किलिंग ट्रॉल नेट से, जो आप देखते हैं जो मछुआरे जो नदी में पकड़ने जाते हैं मछली, तो ट्रॉलर होता है उनके साथ, उसके साथ जो नेट नेट लगा रहता है आपका फिशिंग के लिए, तो उसके नेट में फंस जाता है गलती से, और गिल्स में, और उसके कारण उनका जो है बेसिकली मर जाते हैं उसमें फंस के। तो ये बेसिकली इनका कारण है थ्रेट जो इनको। ये जो आपका पिक्चर है ओली रिवरी टर्टल का, ये आप देख रहे हैं, और ये जो उड़ीसा का तट है आपका, यहाँ से नहीं, उड़ीसा जो आप देख सकते हैं मैप में, भारत के मैप में यहाँ पर है, ईस्टर्न कोस्ट है आपका। तो यहाँ पे तीन बेसिकली इन जो रेस्टिंग साइट है उड़ीसा में भी, एक है गहीरमाथा देवीमौत, और ये ऋषिकुलिया, ये दोनों जो आपका मेन इसका नेस्टिंग साइट है। गहीरमाथा आप देख रहे हैं, ब्राह्मणी रिवर और बैतरणी रिवर जो है आपका यहाँ पे आके, धर्मा रिवर आके मिलती है। ऋषिकुलिया जो आपका बेसिकली महानदी का एक ना पार्ट है, और ऋषिकुलिया रिवर जो है महानदी का ये एक ना ट्रिब्यूटरी है। तो ये बेसिकली जो है मास नेस्टिंग इसका साइट है तीन, इसका ओलिवरी टर्टल का। बाकी जो छोटे छोटे साइट्स है बेसिकली, यहाँ तीन जो है मेन है, यहाँ पे जो सरकार ने सेंचुरी बना के इसको प्रोटेक्ट भी किया हुआ है। अगला क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम। द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी समटाइम्स इन न्यूज रिसेंटली इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो प्रिंसिपल है, ये इस आर्टिकल जो है आप बेसिकली फंडामेंटल राइट्स है सारे के सारे, इनमें से किसका पार्ट है, आर्टिकल 30, 19, 21, 32। तो आंसर इसका होगा आपका आर्टिकल 21। 21 जो है इसमें, ये अभी न्यूज में क्या था भाई, एनजीटी ने जो अभी आपने न्यूज देखा होगा विशाखापत्तनम में गैस लीक हुआ, जो एलजी पॉलीमर्स जो कंपनी है उसके यहाँ से, तो इसी पर एनजीटी ने एक अपना फैसला सुनाया कि प्राइमरी फैसी लायबल अंडर 19th सेंचुरी इंग्लिश लॉ प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। तो एलजी पॉलीमर को लायबल ठहराया कि भाई आप जिम्मेदार हैं इसके, इस प्रिंसिपल के अंतर्गत, ऑन डायरेक्टेड द कंपनी टू डिपॉजिट अमाउंट ऑफ 50 करोड़। 50 करोड़ आपको डिपॉजिट करना होगा, और एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो कि पता करेगी भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वॉज मेड रिडंडेंट इन इंडिया बाय सुप्रीम कोर्ट इन 1986। 1986 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था किसी केस में, जिसमें इसको हटा दिया, दूसरा प्रिंसिपल से लेके आई थी सरकार सुप्रीम कोर्ट, वो था आपका एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। तो भाई ये क्या है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के बारे में पूछा गया है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के बारे में नहीं पूछा गया है। तो स्ट्रिक्ट सॉरी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी क्या है, तो 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने ओलियम गैस लीक केस था एक उस समय दिल्ली का, उसमें पाया कि फाउंड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वो फुली इनएडिक्वेट, जो प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है वो उतना एडिक्वेट नहीं है सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के, सिटीजन्स का जो अधिकार है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इंडस्ट्री जहाँ पे है, और उसको रिप्लेस कर दिया किससे भाई, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी प्रिंसिपल से। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटा दिया और ये नई प्रिंसिपल्स को लेके आई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हैजार्डस इंटरप्राइजेज हैज एन एब्सोल्यूट नॉन डेलीगेबल ड्यूटी, मतलब एब्सोल्यूट ड्यूटी आप ही के ऊपर है, जो कंपनियां जो है जो गैस ऐसे सब्सटेंस बना रही है, ज्यादा सब्सटेंस बना रही है, तो उनका पूरा पूरा जिम्मेदारी है कम्युनिटी की तरफ, टू इंश्योर दैट नो हार्म रिजल्ट्स टू एनीवन, किसी को भी कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं हो, कोई भी तकलीफ नहीं हो, हजारा सब्सटेंसेज और जो डेंजरस जो सब्सटेंस वो यूज कर रहे हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उससे, एंड देयर फोर सच कॉपरेशन वुड बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेशन ऑफ राइट ऑफ लाइफ, राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट ऑफ लाइफ विद डिग्निटी जो है आपका फंडामेंटल राइट्स, उसके अंदर आप जो है किसी को, आप कंपनियां जो है वो एब्सोल्युटली जो है पूरी तरह से उसके लिए जिम्मेदार है, कि किसी का जो आप राइट है सिटीजन का, नागरिक का अच्छे से जीने का, उसको आप नहीं हटा सकते हैं, उसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। तो ये आपका आंसर मिल गया, इसमें आर्टिकल 21 होगा। द प्रिंसिपल एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इज ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। ठीक है, राइट टू लाइफ है बहुत ही बड़ा आर्टिकल, सॉरी इसको जो सुप्रीम कोर्ट ने काफी बार बहुत सारे जजमेंट पे यूज किया है, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैं कहूँगा इसको अपने ध्यान से पढ़े, और फंडामेंटल राइट्स पूरा भी आप
इम्पॉर्टेंट है। मैंने वीडियो लेक्चर है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको आप देख सकते हैं। तो भाई प्रिंसिपल ऑफ स्टिक लाइबिलिटी क्या है? प्रिंसिपल ऑफ स्टिक लाइबिलिटी है कि इसमें कहता है पार्टी इज नॉट लाइबल एंड नीड नॉट पे कंपनसेशन इफ हैजार्डस सब्सटेंस एस्केप्स हिज प्रेमाइस बाय एक्सीडेंट और बाय एन एक्ट ऑफ गॉड अमंग अदर सर्कमस्टांसेस। तो मतलब एक तरह से लूफोल इसमें दिया गया है इस प्रिंसिपल के अंतर्गत कि भाई अगर सब्सटेंस जो हैजार्डस जो गैस है वो कुछ भी वो अगर उसके प्रेमाइस से उस इंडस्ट्रीज के कंपाउंड से निकल जाता है, लीक कर जाता है एक्सीडेंट के कारण या फिर कुछ एक्ट ऑफ गॉड जैसे भूकंप आ गया, साइक्लोन आ गया, कुछ हो गया या कुछ और सर्कमस्टांसेस कारण जो उसके हाथ में नहीं था कंपनी ओनर के अंदर में, तब उसको सिर्फ कंपनसेशन देने की ज़रूरत नहीं है, वो जो कंपनी है वो लायबल नहीं ठहराई जाएगी। तो एक तरह से उस कंपनी को बचाने की तरीका है एक तरह से। तो इसको इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटा के प्रिंसिपल एब्सोल्यूट लायबिलिटी लेके आया। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एसी एक्ट में क्या अंतर है आप समझ गए होंगे। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो कि 1868 का इंग्लिश केस के अंदर में आया था कॉल रायलैंड वर्सेज फ्लेचर केस, कंपनी विद सेवरल एजम्पशंस। तो कंपनी को एजम्पशंस दिया गया कि आप है ना उस पर छूट सकते हैं, उसको मिसयूज भी किया जा सकता है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कोई एजम्पशन नहीं है, कोई डिफेंस नहीं है, आपको लायबल ठहराया ही जाएगा। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, आठवां क्वेश्चन इसमें है कि विद रिस्पेक्ट टू COVID-19 इमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट का नाम एक दिया गया है जो कि न्यूज में भी आप देखेंगे पढ़े होंगे आपने। तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, इसमें से बताना आपको कौन सा सही है। दो स्टेटमेंट्स है, पहला है प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये प्रोजेक्ट जो है जिसके बारे में बताया COVID-19 का, ये तीन इंस्टीट्यूशन जो इम्प्लीमेंट करेंगे इसको, और इसको फाइनेंस कौन करेगा भाई? वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक विद अ कंट्रीब्यूशन ऑफ $1 billion and $500 million रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ देखिए अब एक एक स्टेटमेंट में बहुत सारे सब स्टेटमेंट है, अगर ये तीनों में से कोई भी एक इंस्टीट्यूट अगर इसको नहीं इम्प्लीमेंट कर रहा है, इसमें पार्टी नहीं है, तो स्टेटमेंट उसी समय गलत हो जाएगा। तो इसे आपको देखना तीनों का तीनों जो उसमें पार्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है दो भी है तीसरा नहीं है तो वो गलत हो जाएगा। दूसरा जो फाइनेंस की बात आती है यहाँ पे, तो वर्ल्ड बैंक यहाँ पे भी दोनों इंस्टीट्यूट को फाइनेंस आप देखना है, दोनों ही फाइनेंस कर रहे हैं और दोनों ने जो अपना जो सम दिया गया अमाउंट ये भी सही होना चाहिए। तो चार चीज़ें आपको देखनी है इसमें, एक दो तीन चार, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स ये आपको देखना होगा इसमें से कौन कौन सा सही है। तो बेसिकली जो दोनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पर इसको हम देखते हैं, तो यूएन गवर्नमेंट एंड चाइना लेड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो ये AIIB है आपका बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसने जो है बेसिकली $500 million दिए हैं अभी COVID-19 ये प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद ये जो फर्स्ट एवर हेल्थ सेक्टर सपोर्ट फ्रॉम बैंक टू इंडिया, तो ये जो बैंक है इसने पहली बार जो है हेल्थ सेक्टर को लेकर सपोर्ट किया, इन हेल्थ सेक्टर में सपोर्ट किया भारत को। तो ये प्रोजेक्ट क्या है बेसिकली, एम टू एड्रेस द नीड्स ऑफ इन्फेक्टेड पीपल एट रिस्क पॉपुलेशन, मेडिकल एंड इमरजेंसी पर्सनल एंड सर्विस प्रोवाइडर्स। तो सारे जो लोग हैं रिस्क पॉपुलेशन जो हो गया आपका, जो लोग लड़ रहे हैं वहाँ पर जो एट रिस्क है, जो बेसिकली जो मेडिकल फैटर्निटी जो डॉक्टर्स हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए आपके, जो मान लीजिए पुलिस पर्सनल हो गया, मिलिट्री पर्सनल हो गए, जो लोग काम पे मेडिकल एंड टेस्टिंग फैसिलिटी जो है आपके ICMR के बाकी जो है नेशनल एनिमल हेल्थ एजेंसीज, तो इनको जो है इनका जो ज़रूरत है उसको टैकल करने के लिए फंड बनाया गया है, प्रोजेक्ट बनाया गया है। और जैसे हमने स्टेटमेंट में देखा दोनों स्टेटमेंट सही है, वर्ल्ड बैंक और AIIB दोनों इसमें फाइनेंस कर रही है, वर्ल्ड बैंक आपका $1 billion दे रहा है और जो AIIB $500 million दे रहा है। तो प्रोजेक्ट कौन कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो हमने देखा तीन इंस्टीट्यूशन वही तीनों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड ICMR मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये जो सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में होगा कवर किया जाएगा, ये आप ध्यान रखें। अगर आपको पूछा जाता है कि नहीं भाई इन 10 स्टेट में पायलट प्रोजेक्ट की तरह शुरुआत किया गया, तो नहीं सारे स्टेट्स में स्टार्ट किया गया है और वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव कर दिया, AIIB ने भी अभी इसने अभी अप्रूव किया है। तो ऑल्सो ये सॉरी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका जो ब्रांच आपका ये मनीला में है, ये दूसरा ब्रांच बैंक है, ऑल्सो रिसेंटली अप्रूव $1.5 billion फॉर इंडिया टू सपोर्ट गवर्नमेंट रेस्पॉन्ड टू कोरोना पैंडेमिक। ये अलग बैंक है, उन्होंने भी एक अलग से फंड सपोर्ट किया है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नौवां क्वेश्चन कि विच ऑफ द कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट कार्ड कंसोर्टियम फॉर अफोर्डेबल एंड रैपिड डायग्नोस्टिक। ये एक प्रोजेक्ट है, इसके रिलेटेड हमने दो स्टेटमेंट रखा गया क्वेश्चन में और इसमें से आपको बताना है कौन कौन सही है।
प्रोजेक्ट यूजेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू ट्रॉल थ्रू डेटा एंड आइडेंटिफाई एग्जिस्टिंग ड्रग्स एंड फूड मॉलिक्यूल्स दैट कुड बेनिफिट दोज विद इन्फेक्शस डिजीज। तो ये जो प्रोजेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने नाम सुना होगा, जो कि एक तरह से मशीन लर्निंग, मशीन इंटेलिजेंस एक तरह से है, उसका यूज करके डेटा और को यूज करके और ड्रग्स को यूज करके जो इन्फेक्शस डिजीज में कुछ बेनिफिट दोज विद इन्फेक्शस जो इन्फेक्टेड है उनको बेनिफिट करेगा। और प्रोजेक्ट वर लॉन्च ज्वाइंटली बाय नीति आयोग एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन दो इंस्टीट्यूशन ने, नीति आयोग जो है हमारा प्लानिंग कमीशन को एक तरह से रिप्लेस करके बनाया गया था, और डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी, इन दोनों से मिलके जो इसको लॉन्च किया है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको सही बताना है, पहला, दूसरा, दोनों, या दोनों में से कोई नहीं? तो ये आंसर आपका बी होगा, मतलब कि ये जो आपका इन जो लॉन्च दो इंस्टीट्यूशन का बताया गया, ये दोनों सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्या क्या सही स्टेटमेंट है देखते हैं। तो ये लॉन्च किया गया दोनों हमने देख लिया, इसमें एम्स टू स्केल अप इंडियाज कैपेसिटी टू मेक कोरोना वायरस टेस्टिंग किट्स। तो ये बेसिकली किसके रिलेटेड है भाई? टेस्टिंग किट जो है कोरोना का, जो हम कैपेसिटी हमारा बनाने का है टेस्टिंग किट को, उसको और बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया है। तो ये जो बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके भाई जो इन्फेक्टेड पीपल है उसको हम हेल्प करेंगे, उसको डेटा के साथ उसको ट्रीट किया जाएगा, तो ये सब गलत है। ये बेसिकली टेस्टिंग किट के बारे में है। ये इसलिए शुरुआत किया गया क्योंकि अभी हमने देखा था चाइना से हमने जो एंटीबॉडी टेस्टिंग किट मंगाया था जिसको हम रैपिड टेस्ट करते हैं, तो वो फेल हो गया था, उसमें क्वालिटी टेस्ट इशूज आए थे कि भाई ये सही डेटा सही रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो इसको देखते हुए जो है ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। फर्स्ट गोल इज टू रोल आउट एटलीस्ट 10 मिलियन रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। इंडिया जो अपने एंड पर जो रैपिड टेस्ट एंटीबॉडी टेस्ट बनाएगा, ये टेस्टिंग किट बनाएगा, जुलाई तक 10 मिलियन का लक्ष्य है अभी, और बाकी कैपेसिटी उसको और एक्सपेंड किया जाएगा। ये जो दूसरा टेस्ट है, जो बेसिक टेस्ट है आपका आरटीपीसीआर, ये शुरू से चला आ रहा है, एंड अदर पेपर बेस्ड टेस्ट, तो इस टेस्ट को की कैपेसिटी भी बढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ जो रैपिड टेस्टिंग है, आपको जो कहते हैं जिसको रैपिड टेस्टिंग एंटीबॉडी टेस्ट, इसकी जो कैपेसिटी मेनली बढ़ाने की बात इसमें कही गई है। तो ये 10वां क्वेश्चन आखिरी है हमारा इस क्वेश्चन, इसमें है आपका विच आर द कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सॉल्यूडेटरी ट्रायल। तो सॉल्यूडेटरी ट्रायल जो है इसके बारे में दो स्टेटमेंट दिया गया, आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। इट एम्स टू फाइंड अ ट्रीटमेंट फॉर COVID-19। दूसरा है इफेक्ट में COVID-19 जो है इसके ट्रीटमेंट के लिए ये बेसिकली ट्रायल है एक तरह से। इफेक्ट ऑफ क्लोरोक्विन ऑन COVID-19 इज बीइंग टेस्टेड इन द ट्रायल। ये ड्रग काफ़ी फेमस हुआ था, आपने समझा होगा, अमेरिका ने और बाकी सारे देशों ने जो है इंडिया से डिमांड किया था इस ड्रग का एक्सपोर्ट करने के लिए। ये बेसिकली मलेरिया ट्रीट करने के लिए ड्रग है। तो इस दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है इस जो सॉल्यूडेटरी ट्रायल है इससे रिलेटेड, कौन सा स्टेटमेंट ये दोनों में से उसके मैच करता है? तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ सी आंसर है आपका। तो सॉल्यूडेटरी ट्रायल बेसिकली क्या, इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल है इंटरनेशनल लेवल पर। ये इसलिए है कि इफेक्टिव ट्रीटमेंट ढूंढने का COVID-19 के लिए, भाई COVID-19 में जो अलग अलग देश अभी तक उसकी ठीक से ट्रीटमेंट नहीं है, कोई कोई मेडिसिन यूज कर रहा है, कोई कोई मेडिसिन यूज कर रहा है, तो उसको इफेक्टिवली ट्रीट करने के लिए कोई इफेक्टिव मेडिसिन ढूंढने के लिए ये ट्रायल लॉन्च किया गया था, डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, और बाकी पार्टनर्स इंडिया ने भी इसको ज्वाइन किया है अभी हाल ही में, और 5 इंडियन हॉस्पिटल भी इसको अप्रूव कर लिया है इन्होंने ज्वाइन करने का। तो सॉल्यूटरी ट्रायल बेसिकली क्या करेगा, 4 ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो अलग अलग देश अपना रहे हैं, जो जो सबसे अच्छा उभर के आया है, तो इसको देखेगा, उसका इफेक्टिवनेस देखेगा कोविड के अगेंस्ट में मिल करके। पहला आपका रेमडेसिविर, जो कि बेसिकली बोला ट्रीटमेंट के लिए यूज किया गया था पहले, और दूसरा है रितोनवीर, जो कि आपका HIV के लिए यूज होता है। इंटरफेरोन बीटा 1A, ये बेसिकली मल्टीपल स्क्लेरोसिस वो ट्रीट करने के लिए जो होता है। ये सारे जो आप देख रहे हैं दवाई, ये बेसिकली कुछ कुछ देश, हर देश को कुछ कुछ इसमें सफलता मिली है, जैसे कि आपका दूसरा लास्ट है आपका क्लोरिकोनोन और हाइड्रोक्लोरिन यूज टू ट्रीट मलेरिया एंड रूमेटोलॉजी। तो ये दोनों, ये जो चारों दवाई हैं, पांचों दवाई जो है, ये बेसिकली 4 दवाई जो बेसिकली ये सारी कुछ कुछ देश में इसमें सफलता मिली है पेशेंट को ट्रीट करने में। तो इसीलिए इन चारों को मेन प्रायोरिटी पर रख करके इस चारों का मिला के देखा जाएगा कि भाई क्या बेस्ट ट्रीटमेंट निकाला जा सकता है।
तो फ्रेंड्स ये था आज का करंट अफेयर्स, और अगले करंट अफेयर्स के लिए भी आप लाइक जरूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और बाकी वीडियोज़ हैं, पॉलिटी का लेक्चर है आपका, एनसीईआरटी का लेक्चर, जिसको आप ना यहाँ पे देख सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इस चैनल, इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें और जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ये नॉलेज जो है बांटें। थैंक यू फ्रेंड्स।